Hey guys, this is Tanu and welcome back to my channel. So today we will do some simple and easy moves to reduce a very common problem which is called bloating, जिसे हिंदी में पेट फूलना भी कहते हैं. But my friends, a special reminder that never ever get confused in between bloating and belly fat, because belly fat and bloating are the totally different things. You know, belly fat जो है हम जब बहुत दिनों से एक्स्ट्रा कैलोरीज कंज्यूम करते हैं तब हमें जाके बेली फैट होता है. एंड ब्लोटिंग इज एन ओवरनाइट प्रोसेस. मतलब आपने कुछ हैवी मील ले लिया, उससे ब्लोटिंग हो सकता है. कभी आपने ज्यादा फाइबर रिच्ड फूड खा लिया, उससे भी आपको ब्लोटिंग हो सकता है. एंड देन बहुत ज्यादा ग्रीजी या ऑयली फूड खाने से कभी कभी हमें ब्लोटिंग होता है. तो ब्लोटिंग का बहुत सारे रीजंस है, बट ये बहुत जल्दी ठीक भी हो सकता है. तो इसे ठीक करने के लिए हम आज करेंगे कुछ बहुत सिंपल मूव्स, कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस, जिसे करने के लिए आपको सिर्फ एक मैट की जरूरत है और कुछ नहीं. एंड जब हमारे पेट के अंदर बहुत ज्यादा गैस फॉर्म हो जाता है तब भी ब्लोटिंग होता है. एंड ब्लोटिंग होने के बाद हमें अपने बेली में बहुत ज्यादा एक टाइटनेस एंड स्टफी फील आता है, जिससे कि लगता है कि हमारे बेली के अंदर अभी बहुत कुछ है, हम और कुछ नहीं खा सकते. एंड इट लुक्स लाइक समटाइम्स दिस एंड दैट. सो या दैट इज कॉल्ड ब्लोटिंग. तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे मूव्स शेयर करने वाली हूँ जिसे करने से आपको बहुत आसानी से इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकती है. एंड मुझे भी ब्लोटिंग का बहुत ज्यादा इश्यूज होता है कभी कभी. सो या आई डू ऑल ऑफ दिस एक्सरसाइजेस टू रिड्यूस माय ब्लोटिंग. एंड या तो अगर एंड में जाके आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, यूजफुल लगा, तो प्लीज इसे एक लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए. इट मोटिवेट्स मी अ लॉट व्हेन यू डू सम गुड कमेंट्स. एंड या एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहिए. तो चलिए शुरू करते हैं कुछ एक्सरसाइज जिससे कि ब्लोटिंग से हमें छुटकारा मिले. तो हर एक वर्कआउट को हम करेंगे 20 टाइम्स एंड देन यू कैन टेक रेस्ट फॉर 10 सेकेंड्स एंड देन यू हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. सो दिस इज द होल प्रोसेस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो हमारी पहली वर्कआउट है ब्रिज, विच इज ग्लूट ब्रिज. ऐसे आपको लेट जाना है मैट के ऊपर एंड देन ऐसे आप अपने घुटनों को मोड़ लीजिए एंड देन अपने हैंड्स को स्ट्रेट कीजिए एंड देन यू हैव टू लिफ्ट योर मिड सेक्शन जस्ट लाइक दिस अप एंड डाउन. सो वी विल कंटिन्यू फॉर 20 टाइम्स. लेट्स स्टार्ट. 1 2, you have to breathe out when you are lifting yourself and जब आप नीचे जा रहे हो तो सांस को छोड़िए. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. एंड हमेशा याद रखिए, जब आप ऊपर जा रहे हो तो आपकी जो कोर है, स्टोमैक है, उसे आपको अंदर खींचना है. यू हैव टू टाइट योर कोर एंड यू हैव टू टाइट योर ग्लूट्स एंड दिस इज द राइट पोस्चर. ओके, सो इट वॉज ब्रीच एंड नेक्स्ट वी विल डू नेक्स्ट वर्कआउट इज हाई नी ट्विस्ट. तो इसे आपको ऐसे करना है. 1 2 3 4. जस्ट आपको अपने हाथों को ऊपर लाना है एंड देन
दिस इज हाइनी ट्विस्ट्स, तो इसे भी हम 20 टाइम्स तक करेंगे. तो शुरू करें. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. So yeah, it was Heini Twists. Hope ki aap log enjoy kar rahe ho. And our next workout is, our third workout is heel touches. So aapko fir se mat ke upar let jana hai. And then the same position again. अपने घुटनों को मोड़ लीजिए एंड देन अपने दोनों हाथों से आपको दोनों तरफ से ऐसे करके अपना हिल्स को टच करना है. दिस साइड एंड अगेन दैट साइड. सो दिस इज हिल टचेस. सो लेट्स स्टार्ट इट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. So yeah, it's done. And our next workout is Russian twists. तो इसके लिए हमें ऐसे बैठ जाना है. You have to sit like this. And then अगर आप एक बिगिनर हो तो आप अपने हिल्स को ऐसे ऑन द ग्राउंड टच करके भी रख सकते हो. एंड अगर आप वर्कआउट्स करते हो एंड आपको फ्लेक्सिबिलिटी है तो यू शुड मूव योर लेग्स अप, लिफ्ट योर लेग्स अप. एंड तो चलिए, एंड आपको ऐसे बैठ के अपने हाथों से ऐसे दोनों साइड के ग्राउंड को टच करना है ऐसे. बट आपको कोशिश करना है कि आप अपने कोर को टाइट रखे एंड पूरे बॉडी को मूव ना कराए एंड अपने बैक को स्ट्रेट रखने की कोशिश कीजिए. ऐसा नहीं होना है आपको एंड ऐसे भी बहुत ज्यादा बेंड भी नहीं होना है. यू हैव टू सिट लाइक दिस. तो लेट्स स्टार्ट इट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. So it was Russian twists. ये एक बहुत ही कमाल का वर्कआउट है. जिस वर्कआउट्स को मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इसे करने से आपको अगर बेली फैट्स की प्रॉब्लम है उससे भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकता है अगर आप इसे एक रूटीन के हिसाब से करो तो. नेक्स्ट वर्कआउट इज साइड प्लैंक पल्स लेफ्ट एंड राइट, विच मीन्स आपको साइड प्लैंक जो होता है नॉर्मल साइड प्लैंक उसी पोजिशन में जाना है लाइक दिस. एंड आपको ऐसे डाउन एंड अप. दिस साइड 10 टाइम्स एंड देन राइट साइड 10 टाइम्स. तो ऐसे करके हम 20 टाइम्स तक इसे करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट इट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And then right side. And अगर आपको इससे भी ज्यादा टाइम्स करने की मन हो, if you feel that ये बहुत कम है, तो you can surely increase your repetitions. Then हमारी next workout है reverse crunches.
जिसके लिए हमें फिर से मैट पर लेट जाना है लाइक दिस एंड देन इस तरह से अपने पैरों को घुटनों को ऐसे कीजिए एंड देन यू हैव टू स्ट्रेट इट डाउन दिस एंड दैट दिस एंड दैट सो दिस इज रिवर्स ब्रांचेस हम इसे भी 20 टाइम्स तक फॉलो करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. And our next workout is knee tuck crunch. तो knee tuck crunch. इसका मतलब है आपको ऐसे बैठना है एंड देन घुटनों से अपने पेट को जरा पुश कीजिए एंड देन स्ट्रेट कीजिए. ये वर्कआउट्स बहुत ही कॉमन है, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, बट दिस वर्कआउट्स आर वेरी इफेक्टिव गाइस. सो नो मैटर आप बेली फैट कम करना चाहते हो या ब्लोटिंग, आप दोनों के लिए ही वर्कआउट कर सकते हो. बहुत ही आसान है एंड बहुत इफेक्टिव है. सो या किल इट. सो लेट्स स्टार्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. And we have one more workout only. And now we will do our last workout, which is side deep squats. तो इसे करने के लिए आपको पहले इस तरह से एक बार बैठना पड़ेगा एंड देन दिस साइड अगेन एंड दैट साइड दिस साइड एंड देन दैट साइड. दिस इज अ वर्कआउट. तो लेट्स स्टार्ट इट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. So if you're feeling a tad uncomfortable today and you feel that it's gas and you're bloated, then try out these workouts today and relieve the pain. So good luck guys, and I hope ki ye video aapko pasand aaya, and if it is then please like, share and subscribe to my channel guys, it motivates me a lot. Keep coming back to my channel. I'll see you in my next video. Till then, take care.